अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। मेरा नाम है जमील अहमद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडस्टेरा के लॉन्ग टर्म्स अर्निंग के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिसकी मदद से हम जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए अर्निंग कर पाएँ एडस्टेरा के ऊपर। तो आज की ये वीडियो होने वाली है ज़बरदस्त, और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम एडस्टेरा के ऊपर लॉन्ग टर्म्स के लिए कैसे अर्निंग कर सकते। जो लोग चाहते हैं कि हमें कोई भी पंगा ना करना पड़े, किसी किस्म की जो है कोई झंझट ना हो, सिंपली और इजी तरीके से हम जो है एडस्टेरा से अर्निंग करें और हमें जो है इसमें अकाउंट बंद होने का कोई डर ना हो, तो ये तरीका आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम न्यू फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर एडस्टेरा का एक अकाउंट खुला हुआ है। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है, कौन सा वो तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है और आपकी जो अर्निंग है वो डेली बेस के ऊपर होती रहेगी। तो तरीका भजन बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ से एक न्यू टैब खोल लेना है। न्यू टैब खोलने के बाद आपने यहाँ पर जो है टाइप करना है पिंट्रस्ट। तो यहाँ पर जैसे आप पिंट्रस्ट लिखेंगे, आपको यहाँ पर पहली पहली वेबसाइट मिलती है पिंट्रस्ट की। आपने इसके ऊपर चले जाना है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पर साइन अप आपसे मांगेगा, तो आपने यहाँ पर जो है साइन अप कर लेना है, क्रिएट कर लेना है अकाउंट। आपकी मेल भी यहाँ पर शो होगी, तो आपने उस मेल को फॉलो करते हुए अपना जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने वक्त आपको जो है अपना जो बर्थडे है उसकी डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको अपनी जो ईमेल है उसका एक्सेस यहाँ पर देना पड़ेगा, तो आपका जो पिंट्रस्ट का अकाउंट है वो इजीली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो पिंट्रस्ट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जनाब आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि आपका बिल्कुल अकाउंट न्यू होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास जो है कुछ वीडियोज़ मैंने यहाँ पर अपलोड करके रखी हुई हैं और इनके अंदर जो है मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है ऐसा, जो जिससे क्या है कि मेरे अकाउंट के ऊपर लॉन्ग टर्म्स के लिए क्लिक्स आते रहेंगे और मुझे जो है इससे अर्निंग होती रहेगी। आपको पता है इस टाइम पिंट्रस्ट के ऊपर बहुत ही बड़ी ट्रैफिक आती है, बहुत ही वायरल होती हैं पिंट्रस्ट की वीडियोस कैसे अपलोड करनी है वो तरीका भी आपको बताऊँगा, और इनके अंदर एड्स कैसे लगाने हैं वो तरीका भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उसके बाद जनाब आपको यहाँ पर प्लस का एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है एक बोर्ड है, बोर्ड बना लेना है। बोर्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम दे देना है, मतलब कि जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो मैंने ऑलरेडी ये जो दो फोल्डर हैं यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले प्लस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से जो है आपने एक जो फोल्डर है वो बना लेना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने उसी फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है। जैसा कि आप जैसे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद जनाब आप इस तरह से जो उस फ़ोल्डर का नाम आपको टॉप पे मिलेगा और नीचे जो है यहाँ पर आपको जो वीडियोस हैं वो मिलेंगी जो आपने अपलोड की होंगी। तो आपने जनाब क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है आपको प्लस का बटन मिल रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है चूज़ आ फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनमें से एक वीडियो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है एड आ टाइटल, टाइटल में आपने इसका नाम दे देना है और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी आपने सेम वही नाम दे देना है जो आपने ऊपर टॉप पर दिया हुआ है। उसके बाद जनाब यहाँ पर लिंक के अंदर आपने जो है यहाँ से आपने चले जाना है अपने एडस्टेरा के अकाउंट के ऊपर। यहाँ से आपने एक जो डायरेक्ट लिंक है उसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बैक आना है और यहाँ पर जो है आपने वो वाला जो डायरेक्ट लिंक है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कुछ यहाँ पर जो है हैश टैग ऐड कर देनी है ताकि आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर वायरल हो। वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जितने आप यहाँ पर ज़्यादा हैश टैग ऐड करेंगे
एक हैशटैग भी अगर यहाँ पर जो है वायरल होता है तो आपकी जो ये वीडियो है वायरल होगी, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ही क्लिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जनाब आपने यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट लेगा और ये जो वीडियो है यहाँ पर पब्लिश हो रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। चलिए अभी इसको यहाँ पर व्यू करते हैं। जैसे आप ये वीडियो ऑन करेंगे यहाँ पर साइड पे आपको जो है आपका जो ऐड है उसका लिंक भी मिलेगा। अब जितनी ट्रैफिक इसके ऊपर डेली बेस के ऊपर आती रहेगी, जितनी देर ये वीडियो यहाँ पर चलती रहेगी, जितने लोग आएंगे इस वीडियो को यहाँ पर वॉच करेंगे उनको डेफिनेटली यहाँ पर ऐड भी मिलेगा। अब जितने बंदे इस ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने चले जाना है सिंपली टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक से आपने सिंपल एक वीडियो लेनी है, उसे आपने जो है कॉपी करना है। उसके बाद जनाब अगर आप वो वाली वीडियो का लिंक डालते हैं यहाँ पर, जैसे आप पेस्ट करें यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, तो विदाउट वाटरमार्क आपकी जो वीडियो है वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। वो वाली वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपने आके वो वाली वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे की है। सेम टू सेम इसी तरीके से ये भी टिकटॉक से ही डाउनलोड की हुई वीडियो है। सेम इस तरीके से आप भी वीडियो डाउनलोड करेंगे और उसे जो है आप पिंटरेस्ट पर लगा के उसके अंदर अपने एड्स लगाएंगे। अगर आप डेली की 4 से 5 वीडियो भी लगाते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी ट्रैफिक उसके ऊपर आ सकती है और कितनी आप उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर तरीका है और इसमें कोई झंझट नहीं है, ना कोई अकाउंट डिलीट होने का डर है, ना डिसेबल होने का डर है। सिर्फ आपने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने यहाँ पर अपने जो एड्स हैं उन्हें पब्लिश करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।